हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं एग करी। उसके लिए हमें चाहिए कुछ चीज़ें, जैसे कि 4 कली लहसुन, 1 इंच जितनी अदरक, ये मिर्ची हैं, हरी मिर्ची काफ़ी तीखी हैं इसलिए मैंने 3 ही लिए हैं, 3 प्याज और 3 या 4 टमाटर। अगर आपको खटास ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप टमाटर एक आधा कम कर सकते हैं। इन सबको आप छील के धोकर इसकी प्योरी बना लें, एंड प्योरी को हम बाद में सब्जी में कैसे डालेंगे वो आपको आगे दिखेगा। एंड मीनवाइल जब आप ये कर रहे हो तो साथ साथ अंडे उबालने के लिए रख दें ताकि आपका थोड़ा टाइम बच जाए। ये बॉइल किए हुए एग हैं, इसमें हम ऐसे छेद करेंगे और फिर इनको पैन गर्म होने तक उसमें हम पैन गर्म होने के बाद घी डाल देंगे। 1 स्पून घी इज सफिशेंट फॉर दीज 4 eggs। और 2 egg हमने वैसे निकाले हैं, उनको क्रश करके ग्रेवी में मिलाएंगे। घी गर्म हो गया है, मैं एक एक करके अंडे बॉइल्ड एग इसमें डालूंगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप चाहो तो आप इस पे नमक और मिर्च की कोटिंग भी कर सकते हो, बट मुझे ऐसे ही चाहिए क्योंकि हमारी ग्रेवी बहुत ही थिक एंड स्पाइसी बनने वाली है। देखो, आप अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे इसकी, इसका टेक्सचर चेंज हो रहा है, काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है इसके अंदर से। एंड हल्का हल्का जब ये चेंज हो जाएगा आप इसको गैस को फ्लेम को बंद कर देना एंड इसी पैन में ही पड़े रहने देना। बस ये इतना हो चुका है, बहुत अच्छा टेक्सचर आ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है, इसी पैन में ही पड़े रहेंगे ताकि ये थोड़े और क्रिस्पी। पहले मैं आपको बता देती हूँ, जीरा, राई, तेजपत्ता और दालचीनी, 2 लौंग, कुछ हरे कड़ी पत्ते एंड सूखी मिर्च, लाल मिर्च। एंड मैं यहाँ पे पहले मसाले रेडी करके रख लेती हूँ। ये है सूखा हरा धनिया 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, MDH का 1 चम्मच शाही पनीर मसाला, बट आप इसमें कोई भी मसाला ले सकते हैं, इट्स जस्ट फॉर टेस्ट। मैगी मसाला भी आप ले सकते हैं, इट्स ऑप्शनल, टोटली ऑप्शनल। और ये हमारे वेट मसाले जो मैंने आपको पहले बताए थे, ये पीस के रेडी हो चुके हैं, ये हम सीधा आप कढ़ाई में डालने वाले हैं। ये गए हमारे ड्राई मसाले, सूखा मसाला एंड नाउ ये सब कुछ हमने मिक्स कर लिया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से अभी। ग्रेवी अब थोड़ी सी उबल चुकी है, अब हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बिल्कुल स्वाद अनुसार। कंटिन्यू आप स्टर करते रहें, नहीं तो इसमें से उबाले आने शुरू हो जाएंगे और आपके हाथ पे छींटे लग सकते हैं, कंटिन्यू स्टर करते रहें। अब हम इसमें मलाई डालेंगे 1 चम्मच बड़ा, अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला 1/2 चम्मच जितना गरम मसाला, थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी डाली है अच्छे से क्रश करके। अब इसको आप 7 से 8 मिनट के लिए ढक दें, लेकिन बीच में आप हिलाते रहें ताकि वो नीचे लग ना जाए। अब आप मसाला देखिए, साइड साइड में घी अपना तेल छोड़ रहा है, अब आप इसको थोड़ी देर के लिए बिना ढके इसको पकाते रहें और चलाते रहें साथ साथ, वरना मसाला जल जाएगा। इसने पूरा पक गया है, ये घी साइड में आ चुका है। अब हम दूध डालेंगे 1 कटोरी। कंटिन्यू हिलाते रहें। अब दूध डाला है तो इसको 5 मिनट के लिए फिर से ढक दें, लेकिन बीच में हिलाते रहें एंड ये सब आप मीडियम आंच पे रख के करें। ढकने से पहले इसमें जो क्रश किया हुआ आपने योक एंड एग था ना, वो आप इसमें मिक्स कर लें ताकि वो और अच्छा एसेंस ले। अब सब्जी ऑलमोस्ट बन चुकी है, इसमें हल्का सा अमचूर डालना है, आप नींबू भी डाल सकते हो। अब हम इसमें अंडे डाल रहे हैं जो हमने फ्राई किए थे पहले,
मैंने उसको अच्छे से क्रश कर दिया है, हमने इसको क्रश कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग साबुत अंडे भी डाल सकते हैं पूरे, मुझे इस तरीके से पसंद है। ग्रेवी अगर आपको ज़्यादा थिक लग रही है तो आप इसमें दूध या पानी कुछ भी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ी सी लाइट ग्रेवी चाहिए सो मैंने इसमें पानी डाला है। आपको नहीं चाहिए तो आप उसको 5 मिनट चला के और बंद कर दीजिए गैस, इसको कवर कर देना। 5-7 मिनट पकने के बाद गैस आप इसको बंद कर दीजिए। एंड अब हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। आप इसको चाहे तो क्रीम से गार्निश कर सकते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी काफ़ी मलाई डाल दी थी। सो थैंक यू।